हे एवरीबॉडी, वेलकम बैक टू माय चैनल एंड यू आर वाचिंग 3D मैच ट्यूटोरियल विद अभिषेक। सो गाइस, आज मैं आपसे बात करने वाला हूँ वाटरफॉल के बारे में। वाटरफॉल का एनिमेशन कैसे बनेगा, तो यहाँ पे आप जैसे कि यहाँ पे एक वीडियो है मेरे पास, तो यहाँ पे वाटरफॉल का एनिमेशन है। यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये यहाँ पे वाटर ड्रॉप हो रहा है, नीचे वाटर नीचे गिर रहा है। तो आज मैं इसी पर एनिमेशन आपको बताऊंगा कि इस टाइप का एनिमेशन आपको बनाना कैसे है। हालांकि मैंने एक वीडियो में आपको बता रखा कि वाटर फाउंटेन का एनिमेशन कैसे बनेगा, तो मैं इस वीडियो में आपको बताऊंगा वाटरफॉल का एनिमेशन कैसे बनेगा। हालांकि दोनों एक ही चीज़ है, लेकिन मैथड अलग है। तो चलिए इसे स्टार्ट करते हैं और मैं बताता हूँ आपको इसे बनाना कैसे। तो यहाँ पर मैंने छोटा सा एक मॉडलिंग करके रखा है, मतलब एज अ बेसिक कि मैं आज इसी पर बताऊँगा आपको। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो गाइज, यहाँ पे सबसे पहले यहाँ पे पार्टिकल्स होगा, एक पार्टिकल सिस्टम्स, तो इस पर जाना है आपको। तो यहाँ पे कई सारे हैं, तो इसमें से आपको स्प्रे चूज़ करना है। देन आपको फ्रंट व्यू में जाना है यहाँ पे, ठीक है। और इस सिलेंडर के छोटे से पार्ट को कवर करना है, ठीक है, पर्सपेक्टिव व्यू। तो अभी आप देखें, जब मैंने स्प्रे बनाया तो यहाँ पे कुछ स्प्रेस जा रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे मैं फ्लिप कर दूंगा, इसे मिरर कर दूंगा। ओके, अभी ये यहाँ पे जा रहा है, ठीक है। तो अभी इसे एडजस्ट मैं कर देता हूँ टॉप व्यू, ठीक है गाइस। और अभी मॉडिफाई में जाता हूँ। मॉडिफाई में जाते हैं, यहाँ पे कुछ ऑप्शंस हैं। तो यहाँ पे व्यू पॉट काउंट, आपको इसका लेवल कितना बढ़ाना है यहाँ पे देख सकते हैं। तो जैसे यहाँ पे बढ़ा है, वैसे ही सेम यहाँ पे रेंडर कोड, जब आप रेंडर करोगे तो वहाँ में बढ़ेगा, वहाँ पे रेंडर काउंट बढ़ जाएगा आपका। यहाँ पे आप एक डेमो देख सकते हैं, ठीक है। और यहाँ पे ड्रॉप साइज़ है, इसका साइज़ आप बढ़ा सकते हैं। और यहाँ पे स्पीड है, तो स्पीड मेरे को कम करना है, इस होल के बराबर करना है मेरे को स्पीड, ठीक है। अब ये सही है। फिर यहाँ पे जाना है रेंडरिंग में, यहाँ पे फेसिंग पे टिक करना है, तो ये कुछ वाटर की तरह होगा, ठीक है। तो यहाँ देख रहे हैं आप, कई सारे वाटर्स यहाँ पे आ गए हैं बाहर। तो यहाँ पे ड्रॉप साइज़ को कम कर देना है, वन कर देता हूँ और थोड़ा कम कर देता हूँ, 0.7 कर देता हूँ। अभी ये सही है, यहाँ से भी चेक कर लेता हूँ, ठीक है। तो ये तो हो गया हमारा स्प्रे। और अभी हमें जो वाटरफॉल होगा, जो यहाँ से वाटर गिरेगा, उसे मैं बनाने जा रहा हूँ। तो सिंपली फिर से पार्टिकल सिस्टम में आएंगे और यहाँ पे स्नो दिया गया है, तो स्नो को यहाँ पे ड्रॉप करेंगे। जितना वाटर का स्प्रे का है, जितना साइज है, सेम साइज़ वही करेंगे, ठीक है। अभी फ्रंट व्यू और इसे ऊपर करते हैं, ठीक है। पर्सपेक्टिव शॉर्टकट पी एस का, ठीक है। और गाइस, ये हो गया वाटरफॉल, ठीक है। रेंडर चेक कर लेते हैं, तो ये कुछ स्टार्स गिर रहे हैं, ठीक है। तो सिंपली फिर इसमें जाना है, इसके भी मॉडिफाई में जाना है। और यहाँ पे व्यू पॉट काउंट है, तो इसे 2200 कर देते हैं और सेम यहाँ पे 200 कर देते हैं। और फ्लैग साइज, इसका साइज है ये, ठीक है। स्पीड ऊपर कर लीजिएगा, बस। वेरिएशन ज़्यादा नहीं चाहिए। टम्बल रोटेशन, ठीक है। टम्बल रेट, तो इसे भी ज़्यादा नहीं करना है, खाली 1 पे ही कर देते हैं, ठीक है। ओके, सो गाइस, अभी यहाँ पे जाना है, इसकी स्प्रे पे जाना है। और यहाँ पे दिया है स्टार्ट टाइमिंग लाइफ, ठीक है। तो इसे स्टार्ट में 500 कर देते हैं, देन लाइफ को उतना ही रहने देते हैं। तो ये क्या होगा ना, ये स्टार्ट पहले से स्टार्ट रहेगा। तो जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, जब मैं प्ले करता हूँ तो ये स्टार्ट से ही होता है। और यहाँ पे मैं जब ज़ीरो करूँगा टाइप, तो यहाँ से 0 फ्रेम से स्टार्ट होगा, वाटर स्टार्ट होगा। तो सिंपली मैं इसका स्टार्ट पॉइंट 500 -500 से करता हूँ, तो ये लूप होगा, ठीक है। और सिंपली मैं इसका भी, ये जो स्नो है, मैं इसका भी स्टार्ट टाइमिंग -500 करूँगा, ठीक है। ये भी ऐसे ही गिरेगा और इसका भी रेंडर फेसिंग कर देंगे, ठीक है।
ठीक है, अभी रेंडर चेक करते हैं। तो वैसे कुछ आ रहा है, इसे सेट करना पड़ेगा यहाँ से। थोड़ा सा रोटेट, इसका फ्लैग साइज कम करेंगे। रेंडर डॉट्स और इसे थोड़ा ऊपर करते हैं। ठीक है गाइस, ठीक है, सेट कर देता हूँ मैं। ओके सो गाइज, ये तो हो गया हमारा। तो अभी यहाँ पे जाना है आपको स्पेस वॉक में, और यहाँ पे डिफ्लेक्टर्स होगा, ठीक है। यहाँ पे डिफ्लेक्टर्स चूज़ करना है, और फिर डिफ्लेक्टर्स, और आपको टॉप व्यू से आपको यहाँ पे ड्रॉ करना है डिफ्लेक्टर्स। तो ये मैंने ड्रॉ कर दिया, ठीक है। अभी पर्सपेक्टिव व्यू से ऊपर करूँगा, ठीक है। ये मेरा प्लेन है, ये वाटर वाला, और ये मेरा डिफ्लेक्टर्स है। ये मेरा प्लेन है और ये मेरा डिफ्लेक्टर है, ठीक है। अभी मैं इसको डिफ्लेक्टर को और इसको स्प्रे को लिंक करूँगा, ठीक है। तो डिफ्लेक्टर को चूज़ करना है, और यहाँ पे दिया है बेंड टू स्पेस वॉर्प, तो इसको सिंपली इस पे ड्रैग कर देना है, ठीक है। अभी कुछ ऐसा होगा, तो यहाँ पे कुछ ज़्यादा ही बाउंस हो रहा है स्नो, तो यहाँ पे जाना है, बाउंस पे जाना है 0.2, ठीक है। तो ये कुछ ऐसा आएगा 0.23, ठीक है गाइस। अभी मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ, यहाँ पे कुछ ऐसा आएगा। अब टेक्सचर कर लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे मैं असाइन रेंडर वीरे एडवांस एम्प्रेस करता हूँ, ये यहाँ पे स्नो को और वाटर को, ठीक है, स्नो स्प्रे, और यहाँ पे एक वाटर का मैंने रखा है, तो इन सबको मैंने वाटर का मटेरियल दे दिया है। तो यहाँ अभी कुछ ऐसा आएगा, ओके गाइस। तो अभी मैं ये जो वाटर है, इसमें जो पानी गिरेगा, इसको नॉइस कराऊंगा मैं, यानी कि थोड़ा बाउंस कराऊंगा इसे। यहाँ पे नॉइस जाके सर्च करूंगा, ठीक है, और यहाँ पे फिल्टर ऑन कर दूंगा और एनिमेट नॉइस, ठीक है। तो यहाँ जेड की ओर थोड़ा सा वॉक करना है, और यहाँ पे प्लेन पे जाना है, और यहाँ पे इसका लेंथ बढ़ा देना है 50 50, ठीक है। यहाँ पे ऐसे होगा कुछ, तो इसकी सेटिंग्स करनी होगी नॉइस की।
स्पीड वन 19, प्रेशर्स कम कर देंगे, फ्रीक्वेंसी भी कम कर देंगे थोड़ा, 0.1, ठीक है गाइस। तो ये हो गया हमारा वाटरफॉल एनिमेशन। ओके अभी रेंडर दिखाता हूँ। सो आई होप यू गैस कि आपको वीडियो पसंद आई होगी और आपको समझ में आ गया होगा कि इसे कैसे बनाना है। सो अगर आप इसे और रियलिस्टिक देना चाहते हैं तो आप इस पर लाइटिंग अच्छी करेंगे तो ये अच्छा आ जाएगा, और टेक्सचरिंग का कुछ मसला है। ठीक है, वाटर को मैंने टेक्सचर नॉर्मल से दिया है टेक्सचर। तो आई होप यू गाइज कि आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करना ना भूलिए चैनल पर। अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो आप कर सकते हो, बेसिकली मुझे कोई डाउट नहीं है, आप कर सकते हो और व्हाट्सएप ग्रुप भी ज्वाइन कर सकते हो, मैंने लिंक उसका भी दे दिया डिस्क्रिप्शन में। तो गाइज मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर एंड सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।